दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर वक्त यूज होने वाली ऐसी कमांड के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है फिल्टर रेंज। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिल्टर रेंज का कमांड का जो यूज है वो बड़े बड़े प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग इसका यूज करते हैं। हालांकि मैं खुद इस कमांड का यूज करता हूँ फिल्टर रेंज का, क्योंकि इसकी जरूरत कहीं ना कहीं हर अकाउंटेंट को पड़ती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिल्टर रेंज का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं और कितनी इम्पोर्टेंट ये कमांड है और इसमें हम क्या क्या सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के नए ऑपरेटर हो या नए अकाउंटेंट हो, तो अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो ये कमांड आपके आने वाले टाइम में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप की कमांड है और अलग अलग इसकी रेंज होती है। तो कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिल्टर रेंज का यूज करने के लिए हमें डे बुक को ओपन हम कर लेते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन हमने कर रखी है इस कंपनी में, उसको ओपन हम एक बार कर लेते हैं। एफ टू से पूरा हमने पीरियड हटा दिया, तो पूरा टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास आगे परचेज सेल सारे टोटल हमारे पास वाउचर है। तो दोस्तों, अब फिल्टर रेंज का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक आइटम को, किसी एक रेट को, किसी एक शब्द को सर्च करने के लिए फिल्टर रेंज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको फिल्टर रेंज का ऑप्शन मिलेगा कहाँ से? आपको जब भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो तो आपको कीबोर्ड से एल्ट बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही हम एल्ट बटन का प्रेस बटन करेंगे तो यहाँ पर आपको रेंज का ऑप्शन साथ में दिखाई देगा F12 के। तो आप चाहे तो इस पर क्लिक कर लोगे, जो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट, और यहाँ पर ऑप्शन लिखा आएगा फिल्ट्रेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों, फिल्ट्रेशन के लिए किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, किसी भी चीज़ को सर्च करना। तो अब हम सर्च करने के लिए सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये वाउचर है, कोई भी एक वाउचर हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रिसिप्ट का वाउचर है और इसका वाउचर नंबर है 1005। अगर हमें ये चीज़ सर्च करनी हो भी 1005 का जो वाउचर नंबर है वो किसका है, वो सेल वाउचर भी हो सकता है, परचेज वाउचर भी हो सकता है, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें सर्च करना भी 1005 कौन से वाउचर का ये नंबर है और वो किसको इशू किया है, तो उसकी हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एल्ट F12 प्रेस करना होगा और उसके बाद में सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगा वाउचर का, और उसके बाद में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पर्टिकुलर में। और इसके अलावा आपको अभी भी नीचे 13 और ऑप्शन हिडन में, उसी को हम एक बार देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इन सभी पे ऊपर हम फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो सर्च करना है वो वाउचर नंबर सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे वाउचर नंबर को, वी दबाएंगे तो वाउचर टाइप और वाउचर नंबर आ जाएगा। तो हमें चाहिए वाउचर नंबर। अब वाउचर नंबर के बाद हमें अब ये रेंज हमारे से पूछेगा भी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो वाउचर नंबर आप सर्च करना चाहते हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है भी वो स्टार्टिंग किस से हो रहा है, आपको किस से ग्रेटर देन यानी कि किस से नीचे दिखाना है, किस से ऊपर दिखाना है, लेस देन ग्रेटर देन दोनों ऑप्शन मिलेगा, इक्वल टू यानी कि बिल्कुल उसी के बराबर हो। अब मान लीजिए हमें सर्च करना था 1005, अब उसके पहले बिल नंबर लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, डेबिट नोट नंबर लिखा हुआ है या फिर रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है, ये हमें नहीं पता। यानी कि हमें केवल इतना पता है कि हमें 1005 वाउचर नंबर को सेलेक्ट करना है। अब स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, एंडिंग किस तरीके से हो रही है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस कंटेनिंग के ऑप्शन को। तो हम कंटेनिंग पर जाएंगे और 1005 यहाँ पर टाइप कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। सेकेंड कंडीशन हमें कुछ भी नहीं लगानी है। तो अब ये देखो, जैसे हमने फिल्टर पे इंटर मारा तो हमारे सामने इसने 1005 नंबर का वाउचर ओपन कर दिया, बाकी सभी को
हाइड कर दिया। तो ये वाउचर है हमारा रिसिप्ट का वाउचर है। तो अगर मान लीजिए ये 1005 अगर आपका परचेज वाउचर नंबर भी होता तो हमें वो भी इस रिसिप्ट वाउचर के साथ साथ परचेज वाउचर का नंबर भी हमें दिखाई देता। तो हम इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए हमें एक वाउचर नंबर हम परचेज का चेंज कर लेते हैं, किसी का वाउचर हम चेंज, मान लीजिए पेमेंट है और इस पेमेंट का भी हम एक बार 1005 कर देते हैं और एक्स का एक बार जो ओरिजिनल है वाउचर नंबर वो हम एक बार नरेशन में हम टाइप कर देते हैं ताकि हमें पता रहे। इसको सेव कर दिया और उसके बाद में हम इसको भी 1005 नंबर यहाँ पे दे दिया और इसको सेव कर दिया। तो अब हमें इस 1005 के वाउचर को सर्च करना है। एल्ट एफ 12 प्रेस करेंगे, वाउचर नंबर पर हम जाएंगे, कंटेनिंग हम सेलेक्ट करेंगे और 1005। तो जिस जिस वाउचर पे 1005 नंबर लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर सर्च करके दिखाई दे देगा। जितने भी वाउचर होंगे सब सर्च हमारे पास यहाँ पर होंगे। तो इसी तरीके से हम स्टॉक आइटम अगर हमें कोई सर्च करनी हो, मान लीजिए हम जैसे ये इनवॉइस वो ओपन हम करते हैं और इस इनवॉइस में हमारे पास जैसे मान लीजिए एक ये प्रोडक्ट है एलईडी बल्ब 5 वाट सिस्का का। अब हमें ये पता करना है भी एलईडी बल्ब 5 वाट सिस्का कौन कौन से इनवॉइस में हमने परचेज करी है और कौन कौन से इनवॉइस में हमने इसको सेल करी है। तो इसका भी हम फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वापस डे बुक पर आएंगे, एल्ट एफ 12 प्रेस करेंगे, वाउचर पर जाएंगे। अब हमें जो फिल्टर लगाना है वो किस पर लगाना है, स्टॉक आइटम पर। तो हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम को, एंटर प्रेस करेंगे। तब उसके बाद में ये और डिटेल हमारे से पूछेगा भी जो स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है वो क्या क्वेरी आप देखना चाहते हो, कोई क्लोजिंग की क्वांटिटी देखना चाहते हो, क्लोजिंग का रेट देखना चाहते हो, क्लोजिंग की वैल्यू आपको देखनी है, कोई डिस्क्रिप्शन उस आइटम का देखना है या फिर आपको उसके नाम से सर्च करना है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे, इसमें किसी पे भी आप फिल्टर लगा के देख सकते हो। तो हमें केवल ये देखनी है भी कौन कौन से इनवॉइस में हमारे पास परचेज हुई है और कौन कौन से में सेल हुई है। तो हम इसको करेंगे नेम वाइज। अब नेम के अंदर भी सेम आपके पास रेंज हमारे से पूछेगा भी अगर आपको नाम पर्टिकुलर पूरा नहीं पता है तो हम उस कंडीशन में कंटेनिंग को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको पूरा नाम पता है तो आप इसके अंदर इक्वल टू भी आप डाल सकते हो, या आपको इतना पता है भी वो स्टार्टिंग एलईडी बल्ब से स्टार्ट होती है 5 वाट से, तो हम इसको स्टार्टिंग विद पर भी हम जा सकते हैं। मान लीजिए हमें पता है भी एलईडी बल्ब 5 वाट का है तो वो स्टार्टिंग हो रहा है एलईडी बल्ब से, तो हम इसको स्टार्टिंग विद करेंगे। तो नाम हमें देना पड़ेगा एलईडी बल्ब 5 वाट। अब आगे कौन सी कंपनी का आगे की डिटेल हमें नहीं पता तो हम यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। कंडीशन हमें सेकंड कंडीशन कुछ भी नहीं लगानी, तीसरी कंडीशन भी कुछ भी नहीं लगानी और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इन वाउचर में हमारे पास इसका एलईडी 5 वाट की जो हमने फिल्टर किया था, तो इन तीन वाउचर में तो परचेज है और इन इतने वाउचरों में इस प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है। तो हम कोई भी एक वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो आप इस वाउचर में देख रहे हो हमारे पास ये एलईडी बल्ब 5 वाट का प्रोडक्ट परचेज हुआ है। एक हम कोई सेल का भी देख लेते हैं, 6 नंबर इनवॉइस देखा तो इस 6 नंबर इनवॉइस के अंदर भी आप देख रहे हो एलईडी बल्ब 5 वाट है जो सेल हुई है। और इसी तरीके से एक इनवॉइस और देख लेते हैं, जैसे 12 नंबर इनवॉइस है तो इस 12 नंबर इनवॉइस में भी आप देख रहे हो एलईडी बल्ब 5 वाट ये भी सेल हुई है। यानी कि हमने इस स्टॉक आइटम के ऊपर हमने फिल्टर लगाया था भी इस आइटम को हमने कौन कौन से इनवॉइस में परचेज किया है और कहाँ कहाँ इसको सेल किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम रेट के ऊपर भी हम इसको फिल्टर हम लगा सकते हैं। अब फिल्टर का मतलब, अब मान लीजिए हम कोई एक परचेज वाउचर को ओपन करते हैं और इसमें से हमने कोई भी एक वाउचर कुछ स्टॉक आइटम ले लिया। मान लीजिए एक आइटम ऐसी है और इसका रेट है 82 रुपये और 3 पैसे। अब हमें ये बात को सर्च करना है भी हमने आज तक 82 रुपये और 3 पैसे में कौन कौन सी आइटम परचेज करी है जिसका रेट पर पीस का हो। तो इसका भी हम फिल्टर लगाएंगे 82 रुपये और 3 पैसे का। तो अब हम जाएंगे स्टॉक रेट के ऊपर, जो हमारे पास रेट है उस रेट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम रेट हमें सर्च करना है। और उसके बाद में इक्वल टू यानी कि किसके बराबर सर्च करना है, 82 रुपये और 3 पैसे के, एंटर प्रेस करेंगे। तो केवल इसी परचेज वाउचर के अंदर हमारा कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू पर पीस की 82 रुपये और 3 पैसे है। तो जिस जिस वाउचर के अंदर होगी, चाहे वो परचेज किया है चाहे वो सेल किया है, किसी भी आइटम के अगर रेट अगर 82 रुपये 3 पैसे होएगा तो उसको यहाँ पर वो सर्च कर देगा।
तो इसके अलावा दोस्तों और काफ़ी सारे वर्डिंग पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब हम एक फिल्टर का और हम यूज़ करके देखते हैं। मान लीजिए हम नरेशन का हमें फिल्टर लगा के देखना है। अब नरेशन का मतलब हम वाउचर को ओपन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल इनवॉइस है, ये सेल इनवॉइस नंबर आप देख रहे हो, ये हमारे पास 5 नंबर का इनवॉइस है और इस कस्टमर को हमने ये जो प्रोडक्ट जो सप्लाई किया है इस सारे सामान का, इसका जो गाड़ी का नंबर था वो RJ13 हम लिख देते हैं, GA1234। टेम्परेरी रूप से हमने इसको एक बार नंबर डाल दिया, भी हमने इस गाड़ी के नंबर के थ्रू इसको सप्लाई किए गुड्स, और इंटरप्रेस करके इस वाउचर को करेंगे हम सेव। तो यानी कि 5 नंबर इनवॉइस में हमने ये गाड़ी का नंबर दे दिया। और इसी तरीके से हम एक गाड़ी और दे देते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर के अंदर भी हम गाड़ी का नंबर दे देते हैं सेम नंबर ही, RJ13 1234। तो यानी कि दो ऐसे वाउचर है हमारे पास, एक तो वाउचर है 10 नंबर का और एक वाउचर है हमारे पास ये 5 नंबर का। तो इन दोनों वाउचर के अंदर हमने सेम ट्रांसपोर्टेशन की हमने सर्विस मतलब ली है, और दोनों के थ्रू हमने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कस्टमर के पास है जो गुड्स हमने सप्लाई की है। अब हम इस बात को भूल गए भी अब हमने कौन कौन से मतलब 1234 का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो गाड़ी का नंबर है उस गाड़ी के थ्रू किस किस को हमने सप्लाई करी है। अब मान लीजिए आपके पास अगर इनवॉइस ज़्यादा है, अगर आप एक एक इनवॉइस को सर्च करोगे तो काफ़ी टाइम आपका लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिल्टर रेंज का यूज़ करेंगे, Alt+F12 हम यूज़ करेंगे, वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अब हमें किससे क्वेरी रिलेटेड है, नरेशन से, तो हम नरेशन को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में सेम वही ऑप्शन आपके पास आएंगे भी अगर आपको पूरा कंप्लीट गाड़ी का नंबर पता है स्टार्टिंग से लेके, तो आप स्टार्टिंग विद भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है भी वो गाड़ी का जो एंडिंग नंबर है वो 1234 है, अब उससे पहले क्या नंबर है वो आप भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कंटेनिंग को। तो हम कंटेनिंग को सेलेक्ट करेंगे। अब कंटेनिंग में हमें क्या देना होगा, 1234 एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जिस जिस वाउचर के अंदर में 1234 लिखा होगा वो वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि STC000005 है, STC0010 है और STC011 है, 5 नंबर देखेंगे तो आप 5 नंबर को भी आपके इस निरीक्षण में RJ13 GA1234 नंबर दिखाई देगा। 10 नंबर को ओपन करेंगे तो इसके निरीक्षण में भी सेम नंबर आ रहा है, और ये 11 नंबर के अंदर में भी, यानी कि 3 ऐसे इनवॉइस हैं जिसको आपने इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सप्लाई करी है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे फिल्टर के लिए। तो आप इसमें से फिल्टर डेट को आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी लेज़र का अगर आप फाइनल अमाउंट अगर आपको सर्च करनी है लेज़र की अमाउंट को, तो आप लेज़र की अमाउंट तक आप यहाँ पर इसमें से डाल के सेलेक्ट कर सकते हो भी उसकी लेज़र आपके अमाउंट है जो कितनी है। मान लीजिए हम एक कस्टमर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मुकेश कुमार है और इसका जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 1,05,608 रुपये की है। अगर आपको ये चीज़ सर्च करनी हो भी 1,05,608 जो टोटल वैल्यू है वो किसकी है, तो 105,608 को भी हम यहाँ पर सर्च करेंगे, लेज़र अमाउंट को कंटेनिंग, और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इक्वल टू 105,608। तो अब जिस लेजर की भी वैल्यू टोटल रहेगी 1,05,608 की, वो वाउचर आपके सामने फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी सभी को हाइड हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इस टाइप के जो फिल्टर के जो कमांड है, ये बहुत ही काम की कमांड है। इसकी कंपनी में जो अकाउंटेंट लोग होते हैं इसको अक्सर यूज करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ इसकी सर्च करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इससे बेटर ऑप्शन फिल्टर रेंज के अलावा बेटर ऑप्शन इस टेली प्राइम में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा भाई, जिससे जल्दी आप इतना जल्दी किसी भी चीज़ को सर्च कर लो। तो आप इसके अंदर आप देख रहे हो, आप खुद इसको अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करके देखोगे, वाउचर टाइप से लेके स्टॉक की वैल्यूज तक के लेके स्टॉक का रेट, स्टॉक आइटम, उसका कोई रेफरेंस नंबर अगर आपको सर्च करना हो तो रेफरेंस नंबर भी हम सर्च कर सकते हैं। अब आपको हम एक बार रेफरेंस नंबर भी हम सर्च करके देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ है सप्लायर का इनवॉइस नंबर 324, तो अगर आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी अगर आप सर्च करना चाहो तो वो भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, Alt+F12 प्रेस करेंगे, नंबर है तो आप इसके अंदर चाहे हम रेफरेंस नंबर को हम यूज़ करें कंटेनिंग 324।
तो आप देख रहे हो इस 324 नंबर जो जिस जिस रेफरेंस के नंबर में जो लिखा होगा उस उसकी डिटेल आएगी, जैसे कि 324 अब ये यहाँ पर भी आ रहा है और उसको हम 324 अब यहाँ पर ये देखो 324 यानी कि ये 3241 है लेकिन 324 तो इस वाउचर के अंदर भी आया हुआ है। तो इसने 324 नंबर को रेफरेंस नंबर में भी कुछ भी लिखा होगा, 324 है या 00324 या 3241 इस टाइप से अगर कोई वाउचर का नंबर कंप्लीट लिखा हुआ है तो भी यहाँ पर आपको फिल्टर से सर्च करके बता देगा भी इतने वाउचर के अंदर रेफरेंस नंबर में आपने 324 का यूज मतलब वर्ड का यूज आपने किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि ये फिल्टर कमांड आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई देने की और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के ऊपर भी लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।